वाओ रियली ब्यूटीफुल गाइस, देख लो ये सासाराम में बहुत ही शानदार ये पार्क बनाया जा रहा है जो कि एकदम नेचर के बीचों बीच यहाँ पर दोस्तों बनाया जा रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो आज की वीडियो में दोस्तों सासाराम में एक बहुत ही मस्त दोस्तों भाई साहब, पहले तो सासाराम में एक पार्क था लेकिन और दोस्तों एक नया पार्क सासाराम शहर को बहुत ही जल्द मिलने जा रहा है। फिलहाल अभी हम लोग उसी जगह पर आ चुके हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप ये जो गेट देख रहे हैं यही दोस्तों गेट है जहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ा सासाराम में पार्क बनने जा रहा है। और ये जो दोस्तों पार्क एकदम पहाड़ के एकदम किनारे में बन रहा है दोस्तों, जो कि भाई बहुत ही मनोरम, बहुत ही शानदार, मस्त, बहुत ही मनोरम दोस्तों यहाँ करना जा रहा है। पूरा एकदम क्या बताऊँ, नेचर के बीचों बीच में दोस्तों ये पार्क दोस्तों सासाराम में नया बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले लोकेशन बता देते हैं कि गाइस सासाराम में दोस्तों ये जो नया पार्क है ये आखिरकार कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये जो पार्क है दोस्तों सासाराम में, ये आप चंदन सहित पहाड़ी देख रहे हो और जस्ट इसी के नीचे में यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ पर पार्क बनाया जा रहा है। तो पूरा दोस्तों अभी हम लोग इसके अंदर चलने वाले हैं और ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसके अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं। कितना शानदार दोस्तों ये जो पार्क है ये बनाया जा रहा है। दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं इस नया नया वाला पार्क के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या है। ये देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर गेट देखने को मिल जाएगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। फिलहाल ये देख लो भाई, ऊँची ऊँची आपको चट्टान यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े चट्टान, और इसी चट्टानों के बीच में यहाँ सासाराम में बहुत ही शानदार पार्क दोस्तों बनाया जा रहा है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर, वाओ क्या नजारा है भाई, देख लो यहाँ पर बहुत ही शानदार शानदार दोस्तों यहाँ पर जो लाइट है वो भी यहाँ पर दोस्तों इस पार्क में लगा दिया गया है। बहुत ही शानदार, ये आप देख सकते हो जो रोड पर बड़े बड़े रोड पर लगे रहते हैं स्ट्रीट लाइट, ठीक उसी तरह के दोस्तों यहाँ पर भी बहुत ही शानदार यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा हुआ है। भाई यहाँ पर फोटो खिंचवा रहा है भाई, इस चीज को नोटिस करिए, जब हम आए हैं उसी टाइम से ये हिल रहा है, अब तक बंद नहीं हुआ। अच्छा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी इसको रिपेयर किया जाएगा। हमको लग रहा है भूत का कुछ टेंशन है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ससुराम के नए पार्क में भूत। अरे नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, बहुत ही मस्त लोकेशन है गाइस, एकदम प्यारा सा लोकेशन है, मौसम भी बहुत ही सुहावना हो चुका है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर भी पहाड़ी है पूरा, मतलब ये जो दोस्तों नया यहाँ पर पार्क ससुराम में बना हुआ एकदम पहाड़ पर ही मान के चलो बसा हुआ है। ट्रैकिंग है यहाँ पर और थोड़ी सी ट्रैकिंग चढ़ने के बाद आपको यहाँ पर फाइनली जो पार्क है वो आपको दिख जाएगा। चलिए चलते हैं। वाओ गाइस, फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं सासाराम के नए पार्क के पास। एकदम अल्टीमेट नजारा है गाइस, एकदम शानदार, बहुत ही मस्त भाई, देख लो यहाँ पर। फिलहाल अभी हम लोग पार्क के पास आ चुके हैं और इस तरफ में बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी है जो इस तरफ में लगाए गए हैं। और ये देख लो गाइस यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रेन है, मतलब टॉय ट्रेन, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि ये जो ट्रेन है ये चलने वाला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो लोग हैं बैठ सकते हैं और अपने यहाँ पर बैठने के बाद क्वालिटी टाइम दोस्तों एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, बच्चे जो है भाई मस्त यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर लग चुके हैं। ये देखो गाइस यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर खेलने कूदने के लिए यहाँ पर मस्त मस्त इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बच्चों को मतलब इंजॉय करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देख लो वहाँ पर भी एक छोटा सा यहाँ पर बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए लगाया गया है स्लाइडर। और ये देख लो यहाँ पर बच्चों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मस्त झूला लगाया गया है। और इस तरह भी यहाँ पर बच्चों को एंजॉय करने के लिए मस्त यहाँ पर जो स्लाइडर है वो यहाँ पर दोस्तों लगाया गया है। वाओ रियली ब्यूटीफुल गाइस, देख लो ये सासाराम में बहुत ही शानदार ये पार्क बनाया जा रहा है जो कि एकदम नेचर के बीचों बीच यहाँ पर दोस्तों बनाया जा रहा है। ये पार्क और बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर भाई मस्त यहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर लग चुके हैं और बहुत कुछ यहाँ पर दोस्तों अभी होने को है। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर बदलने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर ग्रास वगैरह भी शायद लगने वाले हैं, ये तो शायद पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में ही यहाँ पर बनाया गया है। और बहुत सारे पेड़ वगैरह भी यहाँ पर लगने वाले हैं, स्ट्रीट लाइट बहुत ही मस्त मस्त यहाँ पर दोस्तों लग चुके हैं। और लोगों को यहाँ पर क्वालिटी टाइम बैठने के लिए भी बहुत सारे यहाँ पर मस्त मस्त तरह के यहाँ पर जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो भी यहाँ पर करी गई है। उस तरफ में एकदम मतलब उड़े ने यहाँ पर जो बैठने के लिए है वो यहाँ पर दोस्तों बनाया गया है। उस तरफ ने आपने देखा, उस तरफ में आपने देखा, उस तरफ में उड़े ने वहाँ पर मतलब जो टॉय ट्रेन है वहाँ पर बैठने के लिए लोगों को यहाँ पर बनाया गया है। और उस तरफ पे भी यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर बनाया गया है उड़े ने यहाँ पर टेबल। और ये देख लो गाइस क्या मस्त उधर का नज़ारा है पूरा, आप देख सकते हो उस तरफ में लोग हैं यहाँ पर पिकनिक भी मना रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो सासाराम में बहुत ही शानदार ये पार्क बनाया जा रहा है। ये पार्क को आप देख सकते हो सासाराम में बहुत ही शानदार बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस पार्क को एकदम अच्छा एकदम मस्त क्लीन रखने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। ये आप देख सकते हो अभी फिलहाल ये जो पार्क है इस पार्क का उद्घाटन भी नहीं हुआ है और यहाँ पर मार बहुत सारे जो लोग हैं भाई यहाँ पर एकदम
कूड़ा कचरा यहाँ पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। ये देख लो एकदम बहुत सारा यहाँ पे कूड़ा कचरा जो लोग हैं यहाँ पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर हालांकि डस्टबिन भी यहाँ पर बना हुआ है, लोग डस्टबिन के मतलब डालने के बजाय लोग यहाँ बाहर में ही फेंक दे रहे हैं। भाई ऐसा आप लोग क्यों करते हो, जब यहाँ पर बहुत सारे डस्टबिन लगा हुआ है तो आप लोग जो कूड़ा कचरा है डस्टबिन में ही डालो भाई, क्यों इतना खूबसूरत जगह को आप लोग ख़राब कर रहे हो। ये देख लो पूरा हर जगह यहाँ पर जो लोग है अभी मतलब कूड़ा कचरा यहाँ पर फैलाना शुरू कर दिए हैं भाई, जब ये पार्क ओपन भी नहीं हुआ है पब्लिकली, पब्लिक लोगों के लिए। खैर यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वही यहाँ पर इंजॉय करने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पर जो लोग हैं भाई वो पिकनिक वगैरह भी कर रहे हैं, और वो लोग भी दोस्तों यहाँ पर हमें लगता है मतलब पिकनिक वगैरह मतलब करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कूड़ा कचरा ही फैलाएंगे। और ऐसा भाई यहाँ पर बिल्कुल ही मत कीजिए, बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है। इस खूबसूरत लोकेशन को गाइस साफ सुथरा रखने की जो जिम्मेदारी है बिल्कुल आपको है, हम ही लोग इसको साफ सुथरा नहीं करेंगे तो क्या किस तरह से मतलब ये जो जगह है सेफ रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, किस तरह से जो जगह है खूबसूरत रहेगा भाई, ख़राब ना हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मार बदबू यहाँ पर आने लगेगी, तब कैसे आप यहाँ पर आओगे, कैसे आप यहाँ पर एंजॉय करोगे इस हसीन वादियों में। यहाँ पर दोस्तों देख लो कितना मस्त चारों तरफ का लोकेशन है यहाँ पर एकदम। और इसी खूबसूरत लोकेशन के बीचों बीच सासाराम को बहुत ही जल्द ये पार्क दोस्तों मिलने जा रहा है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यही पर एंड करता हूँ। पूरा आज की इस वीडियो में मैंने आपको सासाराम में बन रहे नया जो पार्क है मैंने आपको एक्सप्लोर कर दिया। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन सभी मतलब जो जगह है आप लोग गंदा मत करो गाइज, आप जो मतलब डस्टबिन वगैरह है उसी में आप कूड़ा कचरा अपना मतलब जो है डाल दिया करो। इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय।